पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे और त्योंथर न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे 5 अन्य अधिवक्ताओं के खिलाफ SC ST एक्ट का मामला दर्ज करने की मांग की है। दरअसल जिला पंचायत सदस्य अनीता सुमन विगत दिनों त्योंथर तहसील पहुंची थी, जहां SDM के साथ अधिवक्ताओं की नोकझोंक हुई थी। इस दौरान उनका आरोप है कि अधिवक्ताओं ने उनके साथ भी बदसलूकी करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, 9 अगस्त को जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने पत्रकार वार्ता कर उन्हें हरिजन जैसे शब्द का उपयोग कर संबोधित किया, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा है। उन्होंने अधिवक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पूरे मामले को लेकर एडिशनल SP विवेक लाल ने बताया कि अनीता सुमन के द्वारा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। साथ ही 2 पेन ड्राइव भी उन्हें सुपुर्द की है, जिसमें उन्हें आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते देखा गया है, जिसकी जांच करवाई जाएगी। आइए सुनते हैं जिला पंचायत सदस्य अनीता सुमन ने और एडिशनल SP विवेक लाल ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। जिला अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी करते हुए उनके चरित्र पर और जो है तो SDM त्योंथर और आपका एक उनके जिस तरह उन्होंने भाषा को उपयोग किया है कि उन क्यों जाते हैं उनसे मिलने और क्या संबंध है, तो आदरणीय मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो एक जिला अध्यक्ष हैं, दूसरी बात जिला पंचायत सदस्य भी हैं, सभापति हैं, पूरे जिले की हैं। वो किसी भी पीड़ित परिवार को लेकर और किसी भी विजन में वो हॉस्टल हो चाहे जिसका उनको प्रभार है, जांच में गई थी उस दिन, तो पूरे जिला में दोनों जिला में वो जाने का उनका अधिकार है। ये राजेंद्र पांडे डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए, किससे मिले या ना मिले। उन्होंने ये शब्द कहते हुए चरित्रित जो है तो उन्होंने लाछन जो लगाया उनकी वक्तव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, ये सार्वजनिक है। और जो है दूसरा जो उन्होंने हरिजन शब्द कह के उच्चारित किया जो असंवैधानिक है। एक मैं पहले तो अपना परिचय में बताना चाहूँगी। मैं अनीता सुमन जिला पंचायत सदस्य स्वास्थ्य में महिला बाल विकास की मैं सभापति हूँ और मैं पार्टी की बहुजन समाज पार्टी की मैं जिला अध्यक्ष मोहगंज की हूँ। मैं शासकीय काम के लिए अपने कुछ कार्यकर्ताओं के काम के लिए मैं त्योंथर गई थी। चूँकि मैं सभापति हूँ तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मैं वहाँ गई तो मैंने जैसे ही मैं रास्ते में ही देखी तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे SDM साहब के खिलाफ। तो मैं अंदर हुई हुई मैं प्रवेश की साइड से, चूँकि फोटोग्राफ और वीडियो में भी है, वहाँ मैं जा करके मैं साइड में मैं खड़ी हो गई। वहाँ पर एक चेयर थी, मैं वहाँ पर बैठ गई। इसके बाद अधिवक्ता लोग वहाँ पर नारेबाजी करते हुए प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद वो लोग वहाँ पर जूता फेंके उनके ऊपर, इसके बाद फाइल आइल फेंकने लगे, फाड़ने लगे। तो हमने किसके ऊपर? SDM साहब के ऊपर। तो हमने कहा कि आप लोग सब कोई समझदार है, आप लोग बैठ के शॉर्ट आउट कर लीजिए, बैठ के शॉर्ट आउट कर लीजिए, ये ठीक बात नहीं है कि यहाँ पर शासकीय काम में बाधा हो रहा है। सारे लोगों को, उन लोगों ने सारे लोगों को बाहर निकाला, मुझे भी। इसके बाद मैंने कहा, हमको बोले कि सरकारी गवाह बनेगी तो इसको बाहर करिए। तो हमने कहा कि वो एक फाय बोला हवा आ रही हो, तो हमने कहा आप बीमे के हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको बाहर करिए सरकारी गवाह बनेंगे। तो हमने कहा कि मैं अनीता सुमन जिला पंचायत की सदस्य हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ, आप मुझसे इस तरह की बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने, हमने कहा रुको मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी, तो उन्होंने मेरी मोबाइल छीन लिया। इसके बाद वो मुझे हाथ से मतलब ऐसे धक्का मारने लगे और बोले ये दलित है, चमार है, हरजन है, इसको बाहर करो, नहीं ये वो बने मतलब सरकारी गवाह बनेगी। कौन बोला ये? ये उन मैं SP साहब को मैंने दिया है, उसमें अनु मिश्रा, संदीप, राजेश अधिवक्ता लोग थे, सारे वहाँ, हाँ 5 लोग थे, 5-6 लोग जो कि मैंने SP साहब को मैंने दिया है। इसके बाद हम 3-4 दिन हमने सोचा कि मैं देखती हूँ क्या होगा। इसके बाद मुझे अनाप शनाप सुनने को भी आया कि क्या कर लेगी। इसके बाद मैंने SP साहब को हमारे लोगों के साथ मैंने दिया। इसके बाद मैंने हर जगह ईमेल भी किया। जब घटना हुई तो आपने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई? नहीं, एक मैं निजी काम से कहीं बाहर चली गई थी, 2 दिन में मैं याद आई। अच्छा। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं बाहर गई थी। इसके बाद मैं आई तो SP साहब को दिया, मैंने पेन ड्राइव भी दिया,
आईडियो का भी वीडियो का भी। इसके बाद हम इंतज़ार करते रहे तो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 9 तारीख को अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें एसडीएम साहब के बारे में जो बोले बोले, उनका निजी मामला है क्या बोलते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक हरजन महिला वहाँ से हनमना से कोई सुमन उमन करके आई थी और वो हरजन महिला मतलब कि उन यहाँ पर आई थी रिपोर्ट करने के लिए, और रहती कहाँ है हनमना में और बैठती कहाँ है, मुख्यालय कहाँ हम बनाई है त्योथर में, जो कि मैं कभी नहीं जाती हूँ, मैंने एक बार ही अभी गया है गई थी हाल में, और मैं सभापति हूँ तो मुझे राजेंद्र पांडे से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पूछना है, और उन्होंने मुझे बार बार हरजन शब्द कह के और मेरे चरित्र पे उंगली उठाने का उनको अधिकार नहीं है, इसलिए कि भारत देश में आधी आबादी महिलाओं की है और उन्होंने महिला जात के ऊपर और खासकर हरजन शब्द कह के और जाति सूचक शब्द से मुझे अपमानित किया है, मेरे चरित्र पर उंगली उठाया है, तो और ऐसे पुलिस प्रशासन को भी मैंने अवगत कराया था कि मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुलिस प्रशासन आज तक उन पर न तो कार्रवाई किया जो 4-5 लोग हैं, न तो आज तक उनके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध हुआ, उन लोगों ने मेरे साथ अनैतिक संबंध मतलब शारीरिक टच किया, मुझे ढोंसा, तो उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये राजन पांडे जी इस तरह की बात अगर किए हैं तो मैं इस शासन और प्रशासन से और इस देश के सरकार से मैं ये मांग करना चाहूँगी और मैं ये बताना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि मेरे विरुद्ध मेरे साथ जो इन लोगों ने घटना किया है इनकी कार्रवाई मैं चाहती हूँ, और हरजन जो शब्द कहते हैं, मैं एक दलित महिला हूँ और ये भारत के संविधान में कहीं ये हरजन शब्द नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अधिवक्ता बनने से पहले उनको ये सब पढ़ लेना चाहिए। मैं मुकदमा चाहती हूँ और SC ST कायम हो और उनको गिरफ्तार किया जाए, उन सारे लोगों को। किसके विरुद्ध? राजन पांडे जी और वहाँ जो मैंने त्योथर में जो 4-5 लोग हैं उनके जो मेरे साथ अभद्रता किए और आवेदन दिया गया, उन्होंने मुझे हरजन शब्द दोनों में भी कहा, जाति सूचक सबसे मुझे अपमानित किया, तो मैं उनकी गिरफ्तारी चाहती हूँ। FIR नहीं होती आगे, कुछ कार्रवाई ये सरकार क्या करें? राजन पांडे जी ये तो स्वयं कह रहे थे, मैंने आज ही से बात कर लिया, मैंने सारे केस को और उनके जो उन्होंने हरजन एक्ट कायम करा रही थी ये उनका कहना है, मैंने आज ही साहब से कहकर उन निरस्त करवा दिया है, तो महिलाएं हम तो सड़क से लेकर के और सदन तक ये बात रखेंगे और इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि SC ST कायम करके और मेरे जो चरित्र पर उन्होंने उंगली उठाया है और हरजन शब्द का जो उन्होंने उपयोग किया है उसके लिए उनको मुकदमा कायम किया जाए। अनीता सुमन जी हैं तो उन पे कुछ अभद्र टिप्पणी जो अधिवक्ता संघ के जो है राजन पांडे उनके द्वारा की गई है, ऐसा उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है और साथ में 2 पेन ड्राइव भी सौंपे हैं कि इसमें सारी बातें, वो ज्ञापन दिया था तो जो ज्ञापन उनका ले लिया गया है, राजपत्रित अधिकारी को उसको भेज करके इसके में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में जांच कराई जा रही है, आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर त्योथर में जो SDM साहब के ऊपर भी जूता चप्पल का आरोप लगा था उसमें क्या कार्रवाई हुई? उसमें भी मुकदमा भी पंजीबद्ध है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसी जुड़ा मामला है सर? उसी के तारतम्य में उन्होंने बोला कि उसी घटना से मिला जुला हमारी प्रतिक्रिया थी। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है, इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है, और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइने हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97-52-54-27-64 या फिर 83-19-31-79-64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076-62-40-70-64।